press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के सुर्खियों पर। किसानों ने सरकार के खिलाफ छेड़ी जंग, सीकर हाईवे पर लगाया जाम, छावनी बनी विधानसभा। पौधरोपण के फर्जी आंकड़ों से घिरी सरकार, महिला विधायक ने खोली पोल। गैंगवार में मर्डर का वीडियो हुआ वायरल, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बरसों बाद मिला बेटा, डीएनए जांच में हुआ पराया, फिर बदले अभिभावक। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरा राम समेत 75 से ज्यादा किसान नेताओं को जेल में डाल देने के बाद भी काश्तकार जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। साथ ही चोमू और सीकर रोड पर सैकड़ों किसानों ने डेरा डालकर जाम लगा दिया। प्रदेश भर के सैकड़ों किसान पूर्ण कर्ज माफी और राज्य सरकार के साथ पूर्व में हुए लिखित समझौते के तहत अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन के चलते सीकर हाईवे पर भारी जाम लगा रहा। यहां जाम कई किलोमीटर तक लगा हुआ था। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात था, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सीकर ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से जयपुर में भी किसानों की भारी भीड़ जमा होती गई। पुलिस ने अलग अलग जगह से किसानों को खदेड़ा और कईयों को हिरासत में भी लिया। विधानसभा का घेराव करने आ रहे दर्जनों किसानों को पुलिस ने रोककर मानसरोवर के शिप्रापथ इलाके में छोड़ दिया। उधर किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए विधायक किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। दोनों विधायकों के समर्थन में सैकड़ों किसान जयपुर में कूच कर रहे थे। इसके चलते विधानसभा पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं 179 किसानों को पुलिस ने विभिन्न जिलों में गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत किसानों को जयपुर में प्रवेश करने से रोका गया है। उनका कहना था कि किसानों ने महापड़ाव के लिए स्थान, तारीख और समय की जानकारी नहीं दी थी, इस वजह से हाई कोर्ट के आदेश की पालना में सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। कटारिया ने कहा कि चोमू, काला डेरा सहित जयपुर से सटे अन्य जिलों में भी पुलिस ने किसानों को जयपुर आने से रोका है। जिन 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 17 जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। जयपुर से सटे इलाकों में 2000 से ज्यादा किसानों को रोका गया। कटारिया के अनुसार पुलिस ने 50 वाहन भी जब्त किए हैं। किसानों को समझाया जा रहा है कि वे जयपुर की तरफ कूच ना करें और मौजूदा स्थान पर ही सभा करके घरों को लौट जाएं। गौरतलब है कि शून्यकाल में कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के आंदोलन को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया था। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों में बहस भी हुई। किसानों का यह आंदोलन ऐसे समय पर किया गया जब उपचुनाव में हार से सरकार दबाव में है। ऐसे में किसान नेता इस कोशिश में हैं कि लोहा गर्म देखकर ऐसी चोट की जाए कि सरकार उनकी मांगे मानने पर मजबूर हो जाए। उधर सरकार ने किसान वर्ग द्वारा काफी अरसे से उठाई जा रही पूर्ण कर्ज माफी की मांग को हालिया बजट में निर्धारित सीमा के साथ मान लिया था, लेकिन इससे ज्यादा देने के लिए प्रदेश सरकार फिलहाल इच्छुक नजर नहीं आ रही। वन विभाग में भ्रष्टाचार और पौधरोपण के फर्जी आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के सदस्यों ने ही अपनी सरकार को जमकर घेरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक अलका सिंह ने दौसा जिले में वन विभाग द्वारा पौधरोपण के आंकड़ों को गलत बताया। बीजेपी विधायक ने कहा कि आधे से ज्यादा क्षेत्र में रोपे गए पौधे जीवित नहीं है और लगाए गए पौधों में से 20-30% ही जीवित बचे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार वन अधिकारी सत्य को छुपाने के लिए वनों में आग तक लगा देते हैं।
वहीं इन आरोपों पर वन मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि वन विभाग द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक 3,650 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया। इन पर 4,74,00,000 रुपए खर्च कर कुल 11,38,000 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वन विभाग की ओर से गत 4 सालों में लगाए गए पौधों का सत्यापन भी कराया गया, जिनमें से 5 से 80% तक पौधे जीवित मिले। कई स्थानों पर 90% तक पौधे जीवित पाए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि कई बार मानसून की स्थिति भी पौधे के जीवित रहने में परेशानी खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पशुधन के कारण भी वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है। उधर विधायक अलका सिंह ने वन अधिकारियों द्वारा सत्यापन के झूठे आंकड़े पेश करने की चर्चा करते हुए कहा कि इसके सत्यापन के लिए फुल प्रूफ तकनीकी विकसित की जानी चाहिए। वहीं भाजपा के फूल सिंह मीणा ने भी पौधरोपण के सत्यापन के लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था पर जोर दिया। तस्करों की गैंग के बीच आपसी रंजिश में एक बदमाश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसमें मृतक रहम की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है और बदमाश उसे निर्ममता से पीट रहे हैं। जोधपुर के खरताराम गैंग ने दूसरे गैंग के मेंबर उमेश को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो बच निकला और उमेश का साथी हरीश बदमाशों के चंगुल में फंस गया, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जोधपुर में बम्बोर इलाके से पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर से मारपीट कर चेतक गाड़ी लूट कर ले जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में एक गैंग ने दूसरी गैंग के खिलाफ मुखबरी की थी। इससे पहले भी इन दोनों गैंग के बीच 4 बार गैंगवार हो चुकी है। मुखबिरी करने वाले गैंग के सरगना खरताराम को मारने के लिए उसके घर पर हमला कर गाड़ियां भी जला दी गई थी। इसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश हरीश को जोधपुर के मसूरिया इलाके से दिन दहाड़े अगवा कर बाड़मेर तक ले गए। बीच रास्ते में उन बदमाशों ने लोहे के सरियों से हरीश को बेरहमी से मारा और कवास इलाके में पटक गए। बाद में उसकी मौत हो गई। हरीश जाखड़ को किस बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया, इसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो बुधवार रात सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में हरीश पिकअप में बैठा है और बदमाश उसे लोहे के पाइप और डंडों से पीटे जा रहे हैं। हरीश नीचे गिरा तो उसे निर्वस्त्र कर डंडे बरसाए गए। हरीश दया की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसके दोनों पैर तोड़ डाले। गौरतलब है कि बाड़मेर सहित आसपास के जिलों में सक्रिय तस्करों का व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाया हुआ है। ऐसा ही एक ग्रुप है यारों का काफिला, जिसका नाम हरीश की हत्या के बाद मिस यू हरी कर दिया गया। इस ग्रुप में दोनों ही गैंग के कई बदमाश भी जुड़े हैं। इसी तरह एक अन्य ग्रुप जगदम्बा ग्रुप बाड़मेर में करीब 20 दिन पहले हत्या करने की धमकी के ऑडियो और कमेंट आए थे। हरीश की हत्या के बाद भी धमकियों और श्रद्धांजलि के मैसेज एवं ऑडियो ऐसे ग्रुप में बदमाश लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उस मां के दुख की कल्पना की जा सकती है जिसका खोया हुआ बेटा 8 साल बाद मिला, लेकिन डीएनए जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वह उसका बेटा नहीं है। आखिरकार यह बालक अपने असली माता पिता के साथ चला गया और मौजूदा मां के लिए सिर्फ यादें छोड़ गया। यह मार्मिक दृश्य झुंझुनू में बाल कल्याण समिति के कार्यालय में उपस्थित हुआ। इस जिले के मंडेला कस्बे की निवासी परमेश्वरी देवी का पुत्र लापता हो गया था। पिछले साल नवंबर में उसके घर उस दौरान खुशियां छा गई जब हरियाणा के सिरसा में बेटे के मिलने की सूचना आई। पुलिस बेटे को घर ले आई, लेकिन दूसरे परिवार के दावे के बीच डीएनए जांच से अब साफ हो गया कि वह उसका बेटा नहीं है। गौरतलब है कि मंडरेला कस्बे से वर्ष 2009 में 2 मासूम बालक रोहित भार्गव और गौरव निर्वाण गुम हो गए थे। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई, लेकिन इसके बाद भी दोनों बालकों का पता नहीं लग पाया। परिजनों ने भी बच्चों के मिलने की उम्मीद लगभग खो दी थी, लेकिन नवंबर माह में एक परिवार को आशा की किरण दिखाई दी। लापता बालक रोहित के परिवार का सदस्य बबलू भार्गव अपने ससुराल भटिंडा गया था। सिरसा रेलवे स्टेशन पर उसे एक बच्चे की शक्ल रोहित से मिलती हुई नजर आई। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और बाद में पुलिस उसे लेकर मंडरेला पहुंची थी। उधर परमेश्वरी देवी के पति ने कथित रोहित के डीएनए जांच करवाने का निर्णय किया। हालांकि परमेश्वरी देवी उसे अपना बेटा मान चुकी थी। जांच के लिए नमूना लेने के बाद रोहित को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया।
बाल कल्याण समिति में पेश होने के दौरान रोहित के असली पिता रोशनलाल ने बेटे का आधार कार्ड और स्कूल की जन्मतिथि सहित कई दस्तावेज दिखाए। पिता रोशनलाल ने यह भी बताया कि पहले भी कई बार घर से भाग चुका है। डीएनए जांच के बाद साफ हो गया कि यह बालक परमेश्वरी देवी का बेटा नहीं है। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुमन पूनिया ने बताया कि सिरसा में जब रोहित को मंडरेला लाया जा रहा था तो उसने रोहित के परिवार के सदस्य से 8 वर्ष पहले रोहित के लापता होने की कहानी सुन ली, परिवार के सदस्यों के नाम भी याद किए। ऐसे में जब वह रोहित के घर पहुंचा तो उसने सबको पहचानने का नाटक कर लिया। परिवार के सदस्यों ने उस पर विश्वास कर अपना रोहित मानकर अपना लिया। पूछताछ में सामने आया कि छोटा होने के बाद भी रोहित शातिर है, वह पहले भी अपने घर से भाग चुका है। 2 वर्ष तक उसे किसी ने अपने साथ रखा और बाद में बालक को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर यह मामला चर्चित बना हुआ है। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज अलवर में ग्राम पंचायत परसा का बास स्थित अटल सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए संसद आयोजित की गई। यहां राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय पड़ोस संसद का आयोजन हुआ। इस दौरान युवाओं को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जिससे जानकारी आम जन तक पहुंच सके और क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर अधिकारियों का संचालक महेश गुर्जर ने साफा बांधकर स्वागत किया। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी तोताराम गुर्जर ने बताया कि उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र के आसपास भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर युवा मंडल सदस्य अपने क्षेत्र का विकास कर सके। राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम पंचायत समिति उमरैन के ब्लॉक के अटल सेवा केंद्र परसा का वास्तव में आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के करीब 20 युवा मंडलों के लोग पधारे हैं। उनको नेहरू युवा केंद्र की सारी योजनाएं और जानकारियां दी गई और उनसे निवेदन किया है कि अपने अपने यूथ क्लब को सक्रिय करके भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, लक्षित योजना बताई गई है भारत सरकार की, उनको अपने गांव में लागू करवाएं और गांव का विकास करवाएं और गांव में जितनी भी कोई समस्या है, कोई भी वहां की परेशानी है, उसको लिखकर जिला प्रशासन को बताएं, ग्राम पंचायत को बताएं, वीडियो को बताएं और उसको सॉल्व करवाएं। इसी आशा के साथ ये कार्यक्रम सभी ब्लॉकों में आयोजित किए जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र अलवर की तरफ से पूरे जिले में आयोजित किए जाएंगे। अलवर जिले में तिजारा कस्बे के देहरा मंदिर पर भगवान चंद्र प्रभु की निर्वाण तिथि पर भक्ति भाव के साथ मेला भरा गया। इस मौके पर बैंड बाजों के साथ बाजार से शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं अभिषेक पूजन, निर्माण लड्डू अर्पण, ध्वजारोहण और धर्म सभा के कार्यक्रम हुए। साथ ही विशाल रथ यात्रा में अनेक झांकियां निकाली गई और नव निर्मित रथ में श्री जी विराजमान थे। इसके अलावा मंगल आरती सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुकमाल चंद जैन थे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक कुमार जैन ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष पवन जैन, एडवोकेट उपाध्यक्ष सतीश चंद जैन, विजय कुमार जैन, महामंत्री संजय जैन रोलिया के अलावा अन्य पदाधिकारी और आम जन मौजूद रहे। एक प्रयास संस्था की ओर से अलवर के ग्राम टोडियार में महिलाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं को डॉक्टरी सलाह दी गई और उन्हें सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान किए गए। इस कार्यशाला में अध्यक्ष अरुणा देवड़ा, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, गायत्री डाटा, वैशाली जसोरिया, शोभा अग्रवाल, सुनीता बंसल, मनीषा जैन, सुमन अग्रवाल और सुनीता मित्तल भी मौजूद रही। इस दौरान करीब 300 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। गौरतलब है कि एक प्रयास संस्था महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में जगह जगह सैनिटरी नैपकिन बांटने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उधर टोडियार गांव में मातृ शक्ति स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन आईटी के डायरेक्टर डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने किया। इस दौरान डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर लीना गुप्ता और डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने सेवाएं दी। टोडियार गांव में आकर के गांव की महिलाओं को और लड़कियों को हमने 300 करीब हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स और नैपकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट की पेंशन की। लेकिन वहाँ यहाँ के हमको पता लगा कि ये खाली डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादातर औरतें जो है इचिंग चीज वाली प्रॉब्लम और बहुत ब्लीडिंग एक्सेस ब्लीडिंग ये सब समस्याओं से ग्रसित है। सबसे पहले हमको लगा कि हमको इन समस्याओं से ध्यान देना पड़ेगा। ये समस्या जब खींचेगी तभी वो यूज करना सीखेंगे। एक बार कोई औरत उस समस्या से निदान पा जाती है तो वो दोबारा उसमें जी जाना चाहेगी। हमको उनको यही सिखाना है कि आप ये समस्या से
छुटकारा तभी पा सकते हो जब आप इनको यूज करना सीखोगे। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामान्य चिकित्सालय में विधिक साक्षरता क्लिनिक शुरू किया गया। विधिक साक्षरता क्लिनिक के माध्यम से लोग कानूनी सलाह, विधिक सहायता और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लिनिक का उद्घाटन जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास द्वारा किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार मिश्रा, प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलथोरिया, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान साय, बर्न यूनिट के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीएल नेवल, नर्सिंग अधीक्षक डॉक्टर निशी बाला सिंह आदि उपस्थित रहे। इस योजना के अंतर्गत प्राधिकरण की ओर से बर्न यूनिट में जले हुए व्यक्तियों, एसिड अटैक पीड़ित एवं उनके आश्रितों को संबंधित सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। यहां विधिक जानकारी के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर इमरान खान को नियुक्त किया गया है। या कोई व्यक्ति जिसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, एसिड अटैक का कोई व्यक्ति आता है, तो उसको आते ही किस प्रकार की विधिक सहायता, विधिक जानकारी या उसके प्रति क्या क्या होनी चाहिए, वो उसकी जानकारी हमारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स उन लोगों को प्रदान करें। इसका मूल उद्देश्य यही है। इसके अंदर क्या है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर तेजाब फेंके जाते हैं, एसिड अटैक होते हैं, उनको सहायता राशि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलाई जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ये भी जानकारी प्रदान करना कि भाई आपके प्रति यदि अपराध हुआ तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर आप अपना प्रार्थना पत्र पेश करें, आप अपने जो आपके खिलाफ जो अपराध हुआ उस अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराएं, और फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको राशि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदान करती है, ऐसे व्यक्ति को दिलाए जाने का कार्य आज ये जो विधिक सेवा क्लिनिक जो खुला है इसके अंदर बैठे पैरा लीगल वॉलंटियर। एक वक्त मेला ढोने का काम करने वाली सरिता और रजनी अब बेहद खुश हैं। जयपुर में शाही अंदाज में उनकी शादी संपन्न हुई, जहां उनके दूल्हे हाथियों पर सवार होकर पहुंचे। सुलभ इंटरनेशनल संस्था की ओर से आयोजित इस शाही शादी में प्रमुख शख्सियतों के अलावा संस्थान पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्ष 2008 में आर्थिक तंगी के चलते सरिता और रजनी पढ़ाई छोड़कर मेला ढोने का काम करने लगी थी, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ने के बाद दोनों ने संस्थान की ओर से दिया जा रहा प्रशिक्षण लिया। इस तरह से उन्होंने न सिर्फ मेला ढोने का काम बंद किया बल्कि खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी। संस्थान की मदद से रजनी ने ITI और पॉलिटेक्निक में कोर्स भी किया। दोनों बहनों की शादी में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के अलावा संस्थान के फाउंडर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने भी भाग लेकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व दोनों बहनों के दूल्हे हाथियों पर सवार होकर कृषि मंडी के सामने स्थित एक धर्मशाला से आयोजित शादी समारोह में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस चलाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मामले की CBI जांच कराने की भी मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने से इनकार कर दिया था। असद हयात परवेज और अन्य की याचिका पर जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस AC शर्मा की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी और 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोहम्मद असद हयात और परवेज ने गोरखपुर में हुए दंगों में एक व्यक्ति की मौत को लेकर CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में गोरखपुर में हुए दंगों के लिए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार बताया गया था। भाषण की CD की जांच के दौरान 2013 में योगी आदित्यनाथ की आवाज सही पाई गई, लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने CBCID की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और मामले की CBI से जांच कराने की मांग की थी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। किसानों ने सरकार के खिलाफ छेड़ी जंग, सीकर हाईवे पर लगाया जाम, छावनी बनी विधानसभा।
पौधरोपण के फर्जी आंकड़ों से घिरी सरकार, महिला विधायक ने खोली पोल। गैंगवार में मर्डर का वीडियो हुआ वायरल, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वर्षों बाद मिला बेटा, डीएनए जांच में हुआ पराया, फिर बदले अभिभावक। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।